नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनटी वीडियो चैनल। तो हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त पाने के लिए सभी किसानों को ई केवाईसी करना अनिवार्य है। सीएससी वीएलई के लिए है गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्हें एक नया काम मिलने वाला है। और सभी किसान भाई अपनी ई केवाईसी कैसे करेंगे अगली किस्त पाने के लिए? तो सर, प्रथम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गूगल के सर्च बार में चले जाना है। कोई भी एक ब्राउज़र आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पर देख पाएंगे। इस प्रकार से हमें सामने ऑप्शन आ जाते हैं, जो कि होम वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। होम वेबसाइट पर जाने के बाद में देखिए, ऊपर ही आपको ये टेस्ट एडिट होते हुए देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस जगह लाइन जो चल रही है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान जो ई केवाईसी है वो करनी मैंडेटरी है। अभी हम आपको पढ़कर भी सुनाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन निर्देश दिए गए हैं। देखिए आप यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन से आप देखेंगे पीएम किसान, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे की ओर स्क्रॉल भी करेंगे तो आपको ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, प्लीज़ क्लिक ई केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर फॉर आधार वेस्ट ओटीपी ऑथोराइजेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथोराइजेशन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट सीएससी सेंटर। तो फ्रेंड्स, जिन भी किसानों या फिर किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है या फिर है, तो फिर फ्रेंड्स वह अपनी ई केवाईसी पीएम किसान ई केवाईसी जो ये ऑप्शन आया है इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने एक ई केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आपकी नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपको जो है नियरेस्ट सीएससी केंद्र पर जाना होगा और यहाँ पर देखिए उनसे अपनी ई केवाईसी करानी होगी नई किस्त पाने के लिए। फ्रेंड्स, ये नई किस्त में ई केवाईसी करानी जो मतलब ऑप्शन है, ये क्यों करानी जरूरी है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक डिटेल्स में आर्टिकल भी लिख दिया है और अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जाएंगे, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जॉब तड़का वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक आर्टिकल भी लिख दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत न्यू केवाईसी का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। देखिए आपके सामने इस प्रकार से कुछ ऐड आ सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फुल डिटेल यहाँ पर आपको बता दी जाती है। देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी कराना क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार से आप कराएंगे और यहाँ किस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ई केवाईसी, आपको दो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को ई केवाईसी की जो पोस्ट हैं वो देखने को मिल जाती हैं। देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 4,000 रुपये किन किन किसानों को इस बार मिलेंगे। और देखिए ये अभी यहाँ पर आर्टिकल है, अपडेट पीएम किसान अपडेट प्रोसेस ऑनलाइन, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ पर फुल डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं ई केवाईसी किस प्रकार से होगी और कैसे आपको करनी होती है, आप कैसे सीएससी सेंटर पर कराएंगे और बीएलई भाई कैसे इसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है इसको आप कैसे किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने, जब आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, अगर मोबाइल में है और आप डेस्कटॉप चला रहे हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने सीएससी लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन जो वो डिस्प्ले हो जाते हैं, और डिस्प्ले हो जाने के बाद में आपके सामने देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ओटीपी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी फ्रेंड्स, इस ऑप्शन में जो सीएससी वैली है उसमें थोड़ा इन्होंने अभी वेबसाइट में कुछ अपडेट और चल रहा है, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आपका अनेबल जो है एक दो दिन में ही हो जाएगा। अभी अगर आप इस पर कनेक्ट करते हैं आधार ऑथेंटिकेट ओटीपी, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने इस प्रकार का पॉपअप देखने को मिल रहा है। देखिए एक्सेस एरर चल रहा है, प्लीज़ आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय के लिए बाद में बोल रहे हैं। तो अगर जिनके में अभी आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है तो फ्रेंड्स वो अभी अपनी ई केवाईसी कर सकते हैं, और जो जिनके में नहीं है तो वो जो है आधा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट से कराना चाहते हैं तो सीएससी पे ही करानी होगी। तो इस प्रकार से अगर आपको फ्रेंड्स ये ज़्यादा डिटेल अगर आपको और चाहिए तो आप जॉब तड़का वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और कुछ समय के लिए वेट करेंगे बीएलई भाई और उनका ये ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। और जो भी आप थोड़ा बहुत इसमें काम करते हैं सभी किसानों को सूचित करके यहाँ पर सभी की बायोमेट्रिक कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही था छोटी सी वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत दोस्तों।